नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद से आजम खान के अखिलेश यादव के साथ नाराजगी की खबरें लगातार चल रही हैं। आजम खान ने इस मुद्दे पर अब तक कुछ खुलकर नहीं कहा, लेकिन उनके समर्थक लगातार अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं और ऐसे में कई मुस्लिम नेता सपा को छोड़कर जा चुके हैं। आजम खान की समाजवादी पार्टी से नाराजगी की कई वजहें सामने आई। खास वजह जो रही वो ये है कि जब आजम खान जेल में बंद थे तो उनकी रिहाई को लेकर कोई आंदोलन नहीं हुआ। सपा की ओर से आजम परिवार को यूपी चुनाव 2022 में बेहतर प्रदर्शन का भरोसा दिलाकर जोड़कर रखा गया, लेकिन फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलने अखिलेश यादव एक बार भी नहीं गए थे। आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। मुलायम सिंह यादव का उन्हें करीबी कहा जाता है। साल 1980 से विधायक पद से आजम खान ने जनता पार्टी से अपने करियर की शुरुआत की। साल 1992 में जब मुलायम सिंह ने जनता पार्टी से अलग होकर समाजवादी का गठबंधन किया तो आजम खान उनके बगल में खड़े दिखे थे। यही वजह है कि जब पार्टी में उन्होंने जो चाहा वैसा हुआ। सरकार में रहने के दौरान भी उनका गुस्सा समय समय पर उजागर होता रहा है। आजम खान की सपा से नाराजगी कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी वह नाराज होकर 13 साल पहले पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन जब उन्हें मनाया गया तो वापस आ गए थे। दरअसल साल 2009 के चुनाव में अमर सिंह के कहने पर मुलायम सिंह यादव ने रामपुर से जयप्रदा को लोकसभा चुनाव लड़ा दिया। आजम इससे बेहद नाराज हुए और उन्होंने गुस्से में सपा से नाता छोड़कर अलग हो गए। हालांकि एक साल के भीतर वह पार्टी में दोबारा आ गए। ऐसे में एक बार फिर आजम की नाराजगी से एम वाई समीकरण में से एम छटकता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के एम वाई समीकरण में बिखराव की ताकत में कई लोग जुटे हुए हैं, क्योंकि तमाम दलों को पता है कि अब सपा अखिलेश के हाथ में है। मुलायम सिंह यादव जैसे करिश्माई नेता तो पार्टी की नीति तय नहीं कर रहा, जिन्होंने साल 2009 में आजम की खिलाफत के बाद भी रामपुर को जीत कर उन्हें जमीन दिखा दी थी। दल ये भी समझते हैं कि अगर आजम को तोड़ दिया तभी अखिलेश यादव को कमजोर करना संभव है। जब तक वह अखिलेश के साथ खड़े रहे हैं तब तक वह वर्ग उनसे जुड़ा रहेगा, इसलिए राजनीतिक कयास लगातार जारी है। अब देखना होगा कि आजम खान अखिलेश यादव से अलग होते हैं या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ।